नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष खबर पर। बूंद बूंद को तरस रहे अमीनाबाद के रहवासी। जी हाँ दोस्तों, अमीनाबाद चौल जो के चांद नगर के अंदर है, वहाँ के आसपास के परिसर के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। लगभग 15 से 20 दिनों से उनका ये हाल बना हुआ है। घर में पानी की लाइन होने के बावजूद भी लोगों को एक डब्बा पानी मिल रहा है। अब रमज़ान का महीना सर पर है और लोगों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। ऐसे में ऐसा हाल हुआ है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उन लोगों ने जब मुमरा पानी विभाग के अध्यक्ष से जाकर के बात की पानी पुरवठा विभाग में, तो वहाँ पर उनको क्या जवाब मिला और किस तरीके से उन लोगों ने आश्वासन दिया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज की विशेष फुटेज पर। कन्वर से लाइन चार की लाइन थी, चार पांच साल पहले पास की थी। कन्वर से लाइन आई, इंजीनियर ने पास किया था, बोले ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व है। और बोले जो चाली में जो पहली चाली है दौलत नगर के आगे, उधर वो तुम्हारे पानी में पाइप में डाल देंगे, तो तुम्हारा हमेशा प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उन लोगों ने वो लाइन अमर टावर के तरह अमर टावर के जीएम क्रिस्टल मुगल पार्क दौलत नगर ग्रीन व्यू अलार्म सब आए उसमें। हमको पानी कैसे आएगा? मुगल पार्क की ये अम्मा को दौलत नगर से पीछे जाएंगे ना, उधर सब बिल्डर होके इलीगल कनेक्शन मिलेंगे। दौलत नगर से अमर टावर अमर कॉम्प्लेक्स मुगल पार्क हो गया, सम्राट हो गया, ये सब जगह पे तुम देखो कितनी इलीगल कनेक्शन है। हम यू है फिर आगे का सब क्वेश्चन मेरे को लाइन ओपन करके पूरा चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा किसी को जॉइन तो मत करो सर। या अच्छा ऐसे एक मिनट, आपने दूसरा सॉल्यूशन नहीं बताया। नहीं नहीं, ये लाइन अगर चाली में आएगी ना तो ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपके कितने दिन है ये आपका स्टेडियम के पास में, आपने लाइन पर ले जाके दे दिया कॉलेज सर। नहीं उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया। आप दे रहे हो लोग को पानी, उनके लिए अलग स्टेडियम दे रहे हैं। मतलब स्टेडियम को पानी नहीं, तो स्टेडियम का पानी एकदम ओवर फ्लो हो जाता है। मैं देखता हूं 2-2 घंटा तक उसका ओवर फ्लो रहते रहते हैं। अभी आपको फोटो निकाल के भेजूंगी। अच्छा नहीं आया ठीक है
अभी ये इन्हीं के अंदर जो ईडी का काम कर रहे हैं वो ऊपर आप कार्रवाई करो, उनको पानी ना जावे, हमको मिल गया इसलिए उनको पानी मांगते हैं, वो कभी भी बिल्डिंग बनाएगा उनको पानी मांगते हैं। कनेक्शन कितना पड़ेगा, वो बिल्डर है वो एक कनेक्शन देने के चार कनेक्शन लिया, बड़ा बिल्डर को जाके पूछेगा नहीं, बिल्डिंग में जाए चेक करेंगे तो बिल्डिंग में सबको बिल आना चाहिए, दो लीगल है सब लाइन भी लाना चाहिए, एक ही रूम को बिल आना चाहिए, पूरी बिल्डिंग भरना चाहिए वैसा है। और इन लोग के इसमें इन लोग दो दो तीन तीन लाइन है, एक बिल एक गली लीगल टाकी रहेगी उन लोग के पास, ज्यादातर बिल्डिंग में तुम चेक करेगा ना जितने में बिल्डिंग में जाने एक सबके रूम में बिल नहीं आएगा, सिर्फ एक कोई बिल आएगा और पूरी बिल्डिंग पानी भरेगी 70-80 दिन लेंगे। सोल्यूशन दिसत आहे टँकर पाठवलाय तीन चार टँकर पाठवलाय कब तक मैटर सॉल्व होगा, कब तक हो जाएगा ये जो है और बाद में शुक्रवार को 12-1 बजे शुरू हो जाता है और दो दिन बहुत प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अभी डैम का लेवल का पानी का बहुत कम है सब जगह पे, आपकी इधर ही नहीं जो अगर उन लोग अगर पानी नहीं लेना चालू करेंगे अगर बंद हो गया तो खुद ब खुद पानी नीचे आएगा, पानी रिवर्स नहीं आएगा, फिलहाल तुमको अभी क्या पानी की जरूरत है वो बताओ, ईद तो चार दिन बाकी है, ईद तो चार दिन बाकी, टैंकर से पानी आएगा तो झगड़ा हो जाएगा पूरे मोहल्ले में, ईद को सिर्फ चार दिन बाकी है, ईद को चार दिन बाकी झगड़े हो जाएंगे आपस में, आज रात्री बघा ना तुम्ही प्रयत्न करून शनिवार टँकर से झगडा हो जाएगा, मैं एक बात बोलू, अमीनाबाद की कितनी चाली है आपकी, सुनिए सुनिए, अरे सिर्फ अमीनाबाद, गुलशन इकबाल नहीं बोल रहा हूँ मैं, बात सुनो मेरी, मेरी बात सुनो जरा पहले, अमीनाबाद की कितनी चाली है आपकी, 12 साल, वो 12 में हर एक चाली में से दो आदमी, सुनिए 24 आदमियों की तीन टीम बनाओ, सुनो मेरी बात, गुलशन इकबाल को जो अलग पट्टा है उसकी अलग टीम बनाओ, और उनके अंडर में वो टैंकर ये देंगे, सुनो मेरी बात, अभी फिलहाल प्रेशर है ना, ये 2-4 घंटे में या 1 दिन में नहीं बढ़ा पाएंगे, इनको पूरा लाइन का काम देखना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा, 3-4 दिन 5 दिन जाएगा, बात समझो आप अरे तुरंत नहीं बढ़ेगा प्रेशर, उनका कोई अभी लेके चलो ना, उनको साथ में दिखा दो ना, लेके चलो अभी चलो लेके चलो, देख लो उनके साथ ही कट हो जाएगा, करने को सुधारा
सर आमी ना वहाँ पर अलग ही बात है। और टैंकर भी आएगी आधा खाली करके चले जाएगी झगड़ा देख के, वहाँ झगड़ा इतना गंदा होता है। आपस वाले लड़ रहे कितने बजे से कितने बजे के अंदर जो ये क्या बोले, जब तक प्रेशर का नहीं होता है जब तक तुमको रोज चार टैंकर देंगे। सबको 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 चार टैंकर इधर से अमीनाबाद तक लाइन से खड़े रहेंगे। तो मीनाज भाई टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सब इधर सुनाई नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप? सब चल रहा है कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप ही सर आगे खड़े हो नंबर दो, उसको नंबर दो, 10,000 नहीं है मेरा नंबर ना, उसका नंबर दो, नंबर दो मेरा बिल्डिंग का, उसका नंबर। अरे नंबर दे तो 9819090907321321। अच्छा आप उसे रुपए से पूछिए अमीनाबाद का अरमान नंबर नंबर तुम्हारा कैसा करना पड़ेगा? चलो चलो अभी आपस में करेंगे सामान को। टैंकर आएगा तू एक लेकिन खुद के चाली के मध्य सबको सामान दे। सबको सबको पहले टैंकर लेना है। अमीनाबाद में टैंकर लेना सिर्फ मैं लाता था, राजन भाई बेचता था सिर्फ मैं पहले ऐसा खड़े रहता था। और सिर्फ टैंकर में ना मेरे को साफ बोलता था मैं कैसा मेरा पानी भरू, बोले तू अपनी मोटर डाल तू तेरा पानी भर तू खड़े रहेंगे सबको दे। मैं अभी चार टैंकर भी हो जाए वो डाले हो जाएगा चार टैंकर में हो जाएगा 9819090907321। टैंकर आएंगे तुम खड़े रहेंगे अभी जिसकी बिल्डिंग है तकलीफ है।
इसके लोगों को करें कौन दंगा करेंगे मैं डायरेक्ट मेरे पास एफ आर से रमजान देखूंगा नहीं डाल दूंगा अंदर अरे अभी हम लोग तो अभी कर रहा हूँ अभी भी तुमको बोलता हूँ कोई झगड़ा करके आएगा मेरे पास पोजीशन में एक मिनट चलो अभी झगड़ा करके पोजीशन में आएगा तो मैं डायरेक्ट 104 में डाल दूंगा मैं पहले अच्छा साहब तुम चलो तो भाई हमारे हमारे एरिया में भी एक चक्कर मार लो चलो समझ लो चार टैंकर बराबर लफड़ा नहीं मिलता उधर अमीनाबाद में साहब हम लोग को पानी चाहिए एक मिनट तो कल अभी गुरुवार को हमारे से 6 बजे पानी बंद होता है बराबर है बाकी शुक्रवार को भी एकदम रात को 1-2 बजे तक पानी बराबर आपका अभी लास्ट का टेल इनका पोर्शन है तो सब पूरा पानी लास्ट में आपको मिलता नहीं है सही बात है बहुत प्रेशर कम हो जाता है मैं क्या कहता हूँ एक मिनट उनकी बात सुन लो पहले पूरी बात सुन लो उनकी अभी आपके बिल्डिंग के नीचे आपका बिल्डिंग है कि चाल है तो चाल है तो डेली आपको मैं टैंकर प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे डेली एक टैंकर प्रोवाइड देता है क्योंकि आपका लास्ट टेल इनका पोर्शन है पानी तो पीछे साइड में बहुत प्रेशर कम रहता है एक टैंकर आप देंगे तो बाबा दस दस साली है एक टैंकर में कुछ नहीं खाएगा डायरेक्ट चालू करो एक मिनट चिल्ला के फायदा नहीं थोड़ा अरे रुको जरा मैं क्या टैंकर नहीं चाहिए टैंकर नहीं चाहिए बात करने दो यार पहले झगड़ा हो जाएगा हाँ झगड़ा हो जाएगा सभी का काम चल रहा है बिल्डिंग चालू है बिल्डिंग बनाने का चालू है पूरी बिल्डिंग का काम चालू है नहीं नहीं सुनो वो प्रॉब्लम कैसा होता है उन लोग बड़ा बड़ा टाप मारे बड़ा बड़ा टाप मारे उन लोग पानी पीते हैं आपको ऐसा लगता है कार्रवाई ये आवाज कर और जो कनेक्शन कट कर देते हैं थोड़ा शांत रहे चुप हो जाओ दो मिनट चुप हो जाओ सुनो पहले बात सुन लो क्या बोलते हो आगे सबके काम कर बिगड़ पानी का काम नहीं कर रहे मेरी बात सुनो इनका कहना है अगर बिल्डिंग वाले पानी यूज करते वो कट कर देंगे किसी की बात है अभी जब तक ईद का टाइम है 4 दिन बाद ईद है 4 दिन बाद ईद है तुम लोग शांति करो 4 दिन बाद ईद है बोलो ना वो रमजान बात करेंगे मतलब क्या त्योहार में पानी नहीं मिलेगा ऐसे ही बनाना त्योहार बोरिंग से डायरेक्ट पानी चाहिए हम लोग पानी का इससे पहले डायरेक्ट चाहिए और रहा तनवर नगर से जो लाइन एक आई थी वो किधर थी चाली के लिए आई थी 4-5 साल पहले इकबाल पिन जा रहा था शेख उसके नगर के तो वो चाली में लाके पाइप में डालने का तो उन लोग इधर अमर टावर के इधर उधर डाले वो लाइन अगर आगे इधर आके डाल दे तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है लोग 3 का लाइन लेके पानी अंदर खींच रहे टैंकर नहीं चाहिए टैंकर नहीं चाहिए टैंकर को मिलेगा पानी टैंकर नहीं चाहिए टैंकर नहीं चाहिए दो तीन लेडीज जाओ दो तीन जेंट्स जाओ ऊपर दो तीन लेडीज दो तीन जेंट्स लेके जाओ वो नहीं दो तीन जा जाओ आंटी आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए सुरक्षित रहे सतर्क रहे जय हिंद जय महाराष्ट्र प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले
और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।